आदर्श नगर पंचायत रामकोला से भाजपा से उम्मीदवारी कर रहे डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ नगर भ्रमण कार्यक्रम के तहत लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आप अभी पूरा नगर में भ्रमण यात्रा निकाले हैं, इसको इसे क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि नगर भ्रमण ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबके दिलों में डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा बस रहा है, ठीक है, सबके दिलों में डॉक्टर सब बस रहे हैं और सारी नगर की जनता ये चाह रही है कि एक अच्छा जिताऊ प्रत्याशी, एक अच्छा प्रत्याशी जो बता रहे हैं कि हम लोगों के बीच में आए, जो हम लोगों की मूलभूत सुविधाओं पे जैसे सड़क, नाली, बिजली, पानी, शिक्षा, इस पे जो है ध्यान दें, जिसे यहाँ की जनता जो है त्रस्त है उस पे जो है हम काम करेंगे। आपके नगर पंचायत में लाइब्रेरी नहीं है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने एक वर्ड बोला है, शिक्षा हमारा पहला, कब किसी भी देश का विकास या कहीं का विकास, किसी कहीं का डेवलपमेंट वहाँ के एजुकेशन पे ही डिपेंड है, तो हमारी बहुत ज़्यादा जोर जो है शिक्षा और चिकित्सा पे होगी। अभी हमने यहाँ पे आपका जाके हम लोगों ने बोल लिया लोगों से, तो यहाँ पे देखने को मिला कि नाली का काफ़ी दिक्कत है और रोड टूटा हुआ है वार्डों में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आप अगर जीतते हैं तो? देखिए, सबसे पहले जब भी हम जीत करके आएंगे तो पहले ये जो समस्या है उसकी मूल जो चीज़ें कहाँ से हैं, पहले ड्रेन यानी कहाँ से हम सीवर लाइन जो है कहाँ से है कि जहाँ पे जल जमाव ना हो, जब जल जमाव नहीं होगा तो जल जनित बीमारियाँ नहीं होंगी, जब जल जनित बीमारियाँ नहीं होंगी तो लोग स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। और रही बात कि यानी कहना मतलब नाली का और सड़क का, तो ठीक है हर लोगों ने अपना अपना काम किया है, लेकिन हम जरूर इससे ऊपर उठ करके अच्छा काम करेंगे। अच्छा सर, अभी हम लोग वार्ड नंबर 21 में गए थे, वहाँ पे जो सड़क की स्थिति है, वहाँ के लोगों का कहना है कि ये सड़क जो है पिछले 10 सालों से अभी ऐसे ही वैसे ही है, और जब बरसात का मौसम आता है तो पानी का वहाँ पे अंबार लग जाता है, ऐसे में लोगों को वहाँ पे आने जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि वहाँ पे एक बिजली हाउस भी है, तो ऐसे में अधिकारियों को भी आने जाने में काफ़ी मुश्किल होता है, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले हम जीतने के बाद नगर के जो भी वहाँ के वार्ड के सब भ्रांत लोग हैं उनकी हम एक बैठक करेंगे, अपने ईओ से बात करेंगे, अपने जो बता रहे हैं कि जो उसके इंजीनियर होंगे उनसे हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि यानी पानी की जो भी यानी ड्रेन की व्यवस्था है कैसे जल जमा वहाँ से समाप्त हो सकता है, हाँ जल निकासी की पहली व्यवस्था हम वहाँ पे करेंगे जिससे आने जाने में लोगों की जो बता रहे सुविधाएँ हो। जी, आपको क्या लगता है कि आप भाजपा से उम्मीदवारी कर रहे हैं और टिकट आपको मिलेगी? हाँ 100% मिलेगी, क्योंकि यहाँ की जनता और हमारे जो बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो बता रहे हैं कि महाराज योगी जी, हमेशा इनका यह है कि हम अच्छे व्यक्ति को जिताएं और जैसे नगर का विकास या देश का विकास, प्रदेश का विकास कराएं। यहाँ पे कहा जाता है कि आप पेशे से डॉक्टर हैं, उसके बाद आप राजनीति में आ रहे हैं, तो क्या आप लोगों का मतलब सेवा ऐसे जुड़े हुए कर पाएंगे या अलग से आप इसके लिए करने की इच्छा हो तो कोई भी दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। हम हर चीज़ पे ध्यान देंगे, इसी हॉस्पिटल को अपग्रेड करेंगे, यहाँ के नगर के लोगों के लिए जो बता रहे हैं कि जितनी भी चिकित्सा सेवाएं हो सकती हैं अपग्रेड करके करेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे कि अपने मतलब कि जिले में ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी, अपने हॉस्पिटलों में मैंने अपग्रेड किया, हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन की सुविधा दिया जिससे यहाँ की जनता को जो लाभ मिल रहा है। आने वाले दिनों में हम जैसे चिकित्सा और शिक्षा, शिक्षा का मतलब यह है कि हम जो भी यानी कहना मतलब बच्चे जो यानी होशियार बच्चे हैं जिनका जो बता रहे हैं कि पैसे के अभाव में जिनकी जो पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है उनके लिए हम विशेष जो बता रहे हैं कि अभियान चला करके उनको बाहर निकालेंगे और उनकी चिकित्सा उनकी शिक्षा जो पूरी करेंगे। नगर पंचायत का इस बार विस्तार हुआ है जिसमें तमाम क्षेत्र जोड़े गए हैं, आपकी नज़र में क्या है कि वहाँ का जो क्षेत्र है उसमें कितना कुछ विकास हो पाया है? देखिए, वहाँ के क्षेत्र अलग चीज़, आज के पहले वो ग्राम प्रधानों के उसमें था, अब जो बता रहे हैं कि नगर पंचायत में आया है, हम उस पर किससे जैसे अभी यानी कहना मतलब कि नक्शा बना हुआ है, हम हर वो चीज़ें मानक पूरा करेंगे जो यानी सरकार की मंशा है, जो सरकार चाहती है। हमारा मंशा मानव सेवा है, हमेशा सेवा रहा है, जैसे हॉस्पिटल में नहीं डाला उसी तरीके से नगर का जो है सेवा जो है यानी कहना मतलब विकास करके करेंगे। आपके साथ यहाँ पे काफ़ी युवा हैं, युवाओं के लिए आप क्या करेंगे, जो कि युवा यहाँ से तैयारी करने के लिए बाहर जाते हैं और आप जीतते हैं तो यहाँ पे युवाओं के लिए कोई अच्छी फील्ड नहीं है जो कि युवा तैयारी कर सके? सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि नगर में एक वेलनेस सेंटर हो जहाँ पे युवा हमारे जो बता रहे हैं कि जिम कर सकें, जहाँ पे दौड़ सकें, हमारे जो बता रहे हैं कि बुजुर्ग लोग वहाँ पे जाकर के जो बता रहे कि टहल सकें, इस पर हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि वेलनेस सेंटर पे, कि जब हमारा यानी कि मतलब योग और वो सब करेंगे तो उससे हमारे जो बता रहे हैं कि लोग स्वस्थ रहेंगे। इसमें देखा जाता है महिलाएं आपके नगर में आती हैं, महिलाओं के लिए लैट्रिन और शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो इस पर क्या करना चाहेंगे? हम बिल्कुल जो बता रहे हैं कि हम नगर से ही नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का जो बता रहे हैं सख्त निर्देश है कि हर घर में शौचालय हो, लोग यानी कि मतलब सरकार उसको बस पूरा करेगी और हम भी कोशिश करेंगे कि हर घर में शौचालय हो और सब लोग जो बता रहे हैं कि उसका वो करें, यूज करें। द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक पानी की टंकी है जो दसों साल से ऐसी पड़ी हुई है, ना लोग यहाँ पानी पहुँच पा रही है ना सफाई हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारी पूरी कोशिश रहेगी पानी ही नहीं शुद्ध पानी लोगों के घरों में पहुँचे, आरओ की पानी पहुँचे, ठीक है। और मैं जीतने के बाद पहला जो प्राथमिकता मैंने बताया कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं पानी चिकित्सा शिक्षा उस पर मैं काम करूंगा। आप ये जो तमाम वादे कर रहे हैं क्या लग रहा है इन वादों पे खरा उतरेंगे? 100% 99% नहीं 100% जो बता रहे हैं, क्योंकि ये जो वादा जो है हमारा नहीं है, ये वादा जो है हमारे जो बता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। जनता कितना भरोसा कर रही है आप पे? जनता 100% सबके दिलों में जो है डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा जो बस रहा है, जनता चाहती है कि मैं जो बता रहा कि जीत करके आऊँ। लास्ट में जनता से मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? बस जनता से यही कहना चाहें कि अगर जो ये लगता हो जनता को कि डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा आपके लिए जो बता रहे कि अच्छे उम्मीदवार रहेंगे, अच्छा कुछ कर सकते हैं, तो जनता हमें जिता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।